बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं माश की दाल। माश की दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए एक कप दाल। ये हमने दाल लेके भिगो दी थी। तीन हरी मिर्च डालेंगे इसमें। एक चम्मच नमक डालेंगे। अगर आपको कम लगे तो फिर और डाल लें। एक चम्मच लहसुन अदरक है। एक हमने अदरक का टुकड़ा लिया था। उसको हमने इसमें स्लाइस में काट लिए। अब इसको भी डाल देंगे हम दाल में। इसमें सारा सामान एक साथ डलेगा, हरी मिर्चें, अदरक, नमक। उसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसको 10 मिनट भिगो भी सकते हैं। भिगो के बनाएंगे तो और अच्छी बनेगी और जल्दी भी बनेगी। ये देखें, हमने दाल को चूल्हे पे रख दिया था और इसका अच्छा खासा पानी भी खुशक हो गया। ये देखें, हमारा पानी भी खुशक होने वाला है और ये बिल्कुल दाल तैयार होने वाली है। इतनी अच्छी खिली खिली हो गई है ये। अब ये दाल इसी पानी में खुशक हो जाएगी। उसके बाद ये इसमें हम भगार डाल देंगे। ये देखें, हमारा पानी खुशक होने वाला है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। आंच स्लो करके ये देखें, हमारी माश की दाल तैयार हो गई है। कितनी अच्छी बनी है, खिली खिली। ये देखें, अब हम इसमें प्याज का भगार लगाएंगे। अब हम इसमें लेंगे एक छोटी दरमियाने साइज़ की प्याज, 5 लाल साबुत मिर्चें और थोड़ा सा सफ़ेद जीरा। वो तो अपनी मर्जी है, मुताबिक ही डालें। 2 चम्मच हमने घी के डालें। अब हम इसमें प्याज डालेंगे।
लाल साबुत मिर्च है और सफ़ेद ज़ीरा, इन तीनों चीज़ों का हम भगार बना लेंगे। अब ये हमारी दाल का पानी खुशक हो गया है, अब हमने इसमें भगार डाल दिया जो भगार बनाया था। ये देखें हमारी मज़ेदार दाल तैयार हो गई है भगार के साथ। ये देखें हमारी दाल तैयार हो चुकी है, अब हमने इसको डिश आउट भी कर दी है। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी करिएगा। बनती भी बहुत जल्दी है ये।